नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं जय जय न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सरोवर नगर नैनीताल के डीएसपी कॉलेज के चुनाव समय पर न किए जाने से छात्र नेताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान छात्र नेताओं को जबरदस्ती कर बाहर खदेड़ा जा रहा है। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर लीपापोती कर रही है, जबकि पूर्व में जब छात्र नेता चुनाव को लेकर आमरण अनशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको हमारे चैनल द्वारा जमकर चलाया गया था और छात्र नेताओं की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया था, और जब चुनाव का लिखित पत्र कुल सचिव के कर्मचारियों द्वारा दिया गया था तो 10 अक्टूबर को 25 अक्टूबर तक डीएसबी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव करा दिए जाएंगे, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन मुकर गया है, जिसको लेकर छात्र नेताओं का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया है और वो फिर कुलपति के कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे हैं, जिस पर पुलिस ने छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया पर छात्र नेता नहीं माने तो कैदियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। जबकि कांग्रेसी नेताओं ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता की पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता ललित जोशी ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे जे न्यूज। धन्यवाद।